दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चाओं के अंदर आया हुआ है और उसके इशू के बारे में, जिसके वजह से ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिलिकॉन वैली बैंक क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सिलिकॉन वैली बैंक एज द नेम सजेस्ट एक बैंक है, एंड मेजरली जो इसके ऑपरेशंस होते हैं वो स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए, स्टार्टअप्स के ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए होते हैं, और ज़्यादातर बड़े स्टार्टअप्स के अकाउंट्स ये हैंडल करता है। अब इसका क्या इशू है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई भी नॉर्मल बैंक का ऑपरेशन होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स जो कि उसके क्लाइंट्स डिपॉजिट करते हैं उसके बैंक के अंदर, उन डिपॉजिट्स को वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ बॉन्ड्स वो परचेज करते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसके जरिए वो कुछ रिटर्न कमाते हैं और जो उसका कुछ हिस्सा वो अपने डिपॉजिटर्स को भी देते हैं, और इसी के साथ ही कुछ फंड वो लोन देने के प्रक्रिया के लिए रखते हैं। तो हाल ही में यदि हम देखें तो पिछले कई महीनों से फेडरल रिजर्व के द्वारा अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए जा रहे हैं, जिसके वजह से नंबर वन स्पेशली IT कंपनीज की और स्टार्टअप कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है वो गिरते उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है, जिसके वजह से जो बॉन्ड्स सिलिकॉन वैली बैंक ने परचेज किए थे उनके जो पे आउट, जिसको वो इंटरेस्ट के रूप में पे आउट करते हैं, उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा डिपॉजिटर्स की तरफ से भी जिस स्पीड से पिछले सालों में कैश आ रहा था, लिक्विडिटी आ रही थी, वो अब धीरे धीरे घटती जा रही है। और इसी के साथ ही क्योंकि वेंचर कैपिटल फंडिंग ड्राई होती जा रही है, कंपनीज है वो अपने एडिशनल फंडिंग राउंड्स को अप नहीं कर पा रहे हैं फॉर अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस, जिसके वजह से अल्टीमेटली कंपनीज को फंड्स की कमी हो रही है, और जिसके चलते उसका इम्पैक्ट सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर देखने को मिला है। पहला, जो सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हो रहे थे उसके अंदर कमी, और जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर भी, क्योंकि कंपनीज को अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए उस एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, इसलिए वो अपने फंड्स को विड्रॉ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ के ऊपर लिक्विडिटी का संकट अभी दिखाई दे रहा है। पहला, क्योंकि जो डिपॉजिट्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है उसके अंदर भी गिरावट विड्रॉल देखने को मिल रहा है, और जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं बॉन्ड्स में या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर भी कम रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोहरी मार स्पेशली सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर अभी दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अब सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एडिशनल कैपिटल रेज करे तो इन्वेस्टर्स के जरिए, जो कि अभी कामयाब फिलहाल नहीं हुआ है। इसी वजह से अब रेगुलेटर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट्स को फ्रीज करने के, जिससे कि डिपॉजिटर्स के जो डिपॉजिट्स है वो सेफ रहे। और क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सभी मैक्सिमम बड़े कॉरपोरेट्स हैं, और फेडरल रिजर्व, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपॉजिट्स की जो इंश्योरेंस होता है वो 250,000 डॉलर्स का होता है, और जो कि इन केस यदि बैंक डिफॉल्ट करते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उनको मिलता है। लेकिन सिलिकॉन वैली के मैक्सिमम और मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स है वो बड़े कॉरपोरेट्स है, इसलिए उनके जो डिपॉजिट्स है वो 250,000 डॉलर से ज़्यादा है, इसलिए उनके अंदर भी पैनिक देखने को मिल रहा है। और अब काफ़ी कॉरपोरेट्स है जिनको कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उनके ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, जो कि अब रुका हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के द्वारा, जिसके वजह से उनके डिपॉजिटर्स को, कॉरपोरेट्स को, कंपनीज़ को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इस इशू के वजह से घबराने की ज़रूरत है या नहीं?
तो फिलहाल कोई भी बड़ी चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि यूएस बैंक ने अब मंजूरी दी है। अब वो सिलिकॉन वैली बैंक को मनी सप्लाई के लिए एग्री हो चुका है, जिसके चलते अब लिक्विडिटी के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए यूएस बैंक अब उसको सपोर्ट करने वाला है। इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट्स को फ्रीज किया गया था, उसको भी अब रिलीज कर दिया गया है। और इसी के साथ ही यदि हम डिपॉजिट्स को देखें, तो लगभग 175 बिलियन डॉलर्स के डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली के पास है, और जो एसेट है उसके पास वो है लगभग 210 बिलियन डॉलर्स। तो लिक्विडिटी की एज सच अभी फिलहाल दिक्कतें आ रही है, लेकिन यदि हम उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो उनमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिलहाल दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो उनके एसेट्स है वो इतनी लिक्विड डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। इसलिए जो 175 बिलियन डॉलर का जो उनके डिपॉजिट्स है वो से विड्रॉ करते हैं, तो उनके पास लिक्विडिटी की परेशानियां बनने लगती है। फिलहाल यूएस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जिसके चलते फिलहाल तो हमें सिलिकॉन वैली के इशू से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमी वर्क कर रही है, स्पेशली यूएस इकोनॉमी, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और लगातार लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए हमें सतर्क रहना जरूर आवश्यक है। तो ये था सिलिकॉन वैली के ऊपर हमारा एपिसोड। सिलिकॉन वैली बैंक के जो इशू अभी फिलहाल चल रहा है, उसको हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।